हेलो हेलो 1 2 3 हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। सो जी, आज एक न्यू डे है और आज अम्मी अबू गए हुए कराची, हम लोग घर में अकेले हैं, मरियम है और शारिक और मुरीद और वी आर होम अलोन। मतलब यार, लेकिन वो वाली फीलिंग आ नहीं रही है जो होम अलोन वाली फीलिंग होती है ना, बचपन में होता था कि बचपन में किसी तरह हम लोग ये सोचते थे किसी तरह अम्मी पापा जाएं और हम लोग होम अलोन हो और अपने दोस्तों को बुलाएं और कुछ करें, लेकिन अभी जब वो लोग गए तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। अच्छी लग रही हूँ, क्रिकेट खेलने जा रही हूँ अम्मी पापा के जाने की खुशी में। तो आइए इनसे पूछना है कि इनको कैसा लग रहा है होम अलोन। मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, I'm having fun, I'm listening to music all day long। अरे कुछ बच्चे से अभी तो बिल्कुल पता नहीं आ रहा, अम्मी पापा के जाने से मैं बहुत लाउड म्यूजिक सुन रहा हूँ आज। बचपन में इंतजार करते थे, याद है कि कभी अम्मी पापा जाएंगे वहाँ पर और फन करेंगे और अपने दोस्तों को बुला के पार्टी कर लेंगे। तब हमें, अरे वो मुझे कोई लगा कि गोश्त खड़ा है वहाँ पर। अभी जब अम्मी पापा गए तो मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, पता नहीं हम लोग क्यों दुआएं जी याद कर रही हूँ मैं अपनी मामा को। अभी अब मेरी मामा इस व्लॉग में होगी, दिन जो है ना पता मुझे बहुत बुरी लगता है याद कर अम्मी पापा बेचारों को, अम्मी पापा बेचारों को भेज कर के वो दुआएं कर करके भेज कर उनको और उसके बाद पार्टियां कर रहे होते थे। कराची गए हैं, वहाँ पे वो किसी की शादी में, पापा के दोस्त की किसी बेटी की शादी थी तो वो लोग वहाँ पे गए, तो हम लोग अभी घसीटा जा रहा था लेकिन हम लोग नहीं गए। हम लोगों ने कहा कि घर में रहना ज्यादा हमारे लिए आसान। हमने सोचा था हम बहुत फन करने वाले हैं क्योंकि हमारे मामा पापा जा रहे हैं तो हम लोग जैसे फिल्मों में होता है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है असल में। करेंगे बहुत मजे का कुछ ना, असल में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अच्छा, घर में सिर्फ मैं और शारिक और मरिया और मुरीद हैं। अब लोग, अम्मी ने अगर ये वाला व्लॉग देख लिया तो कहेंगे तुम लोग बता भी रहे थे कि लोग आके डाका मार रहे हैं। तो समझे होंगे हम होम अलोन है लेकिन यहाँ पे कैमराज लगे हुए, उनके मोबाइलों में खुली हुई होती है ऐप और वो लोग देख रहे होते हैं हमें 24 घंटे के, कौन आ रहे कौन जा रहे हैं। अगर शारिक गाड़ी बाहर निकालेगा तो फौरन से अम्मी की कॉल आ जाएगी, किधर जा रहे हो? और वो लोग चालाक दोनों गाड़ियां लेकर गए ताकि हम कभी ना जा सकें और एक गाड़ी यहाँ पर छोड़ी है जो हम कभी ना चला सकें। अच्छा जी, अभी हमने शारिक से इंटरव्यू लिया कि उन्हें होम अलोन में कैसा लग रहा है। अब ये भी एक विक्टिम है होम अलोन की, आई वही खड़ी भी रहेंगे जी। अब आप बताइए कि आपको आज होम अलोन है जैसे कोई वो हॉलीडे कोई इवेंट हो नहीं यार, बचपन में तो जैसे बचपन में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है ना, हुआ भी है हमारे साथ अगर आपको याद हो, ये वाला होम अलोन अच्छा है या बचपन में जो था वो होम अलोन अच्छा, या दोनों को कंपेयर करें? मुझे लगता है कि अब वाला ज़्यादा अच्छा, पीसफुल होम अलोन है। नहीं, वो बचपन में जो वो फिल्मों वगैरह में भी होता है ना, वो एक के वो माँ बाप नहीं होंगे तो हम ये करेंगे, वो आज़ादी फील होती है। अब तो सारी आज़ादी ले ली है माँ बाप से तो अब क्या लेना है। मुझे वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वो बिल्कुल बचपन वाली फील नहीं आ रही है। बचपन में यार हम लोग इतने इडियट होते थे, बचपन में हम लोग चाहते थे कि अम्मी पापा किसी तरह चले जाएँ और हम लोग ना खूब पार्टी करें और फ्रेंड्स को बुला लें और पता नहीं क्या क्या करें, लेकिन और बहाने भी करते थे कि आप लोग चले जाएँ ना, थोड़ी देर के लिए चले जाएँ। हाँ ऐसा करें चले जाएंगे आप लोग का थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। अम्मी को पता शक भी हो जाता था कि हाँ क्यों तुम लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हो। अम्मी को पहले शक भी होता था हमारे ऊपर क्योंकि असल में हमें चाहिए होती थी आज़ादी, हमें छतों पे चढ़ना होता था। हाँ छतों पे जाना होता था, छतों पे जाने को एक बहुत वो समझते थे हम लोग, और अपने काम करना होते थे जो कि मैं बता नहीं सकती हूँ तुम्हारे बचपन के रंगीन जी 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 so, तुमने कुल खिलाए ना, व्यूअर सब समझ रहे होंगे वो करना होता। तो तुम अब करती हो नॉर्मली, तो अब वो नॉर्मली करते तो मतलब अब इसलिए तुम एक्साइटेड नहीं हो। अब एक्साइटेड भी नहीं हो और अम्मी हमारे व्लॉग का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं, मतलब लोग मिस करते हैं अब अम्मी को, अगर व्लॉग में ना लाओ ना तो अम्मी के बारे में लोग पूछते हैं कि उनको क्यों नहीं लाया। वैसे सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग वही है कैरेक्टर, उनकी वजह से ब्लॉग हमारा वो होता है। तो अगर अम्मी आप हमारे ये ब्लॉग देख रही हैं तो हम आपके बगैर ये ब्लॉग बना रहे हैं और हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होम अलोन। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय होल फैमिली। अम्मी लोग जो हैं सुबह 10 बजे चले गए थे तो ये तो 10 बजे उठ गई थी, बराए रास्त में आप लोगों को मनाजिर दिखा देती हूं, वीडियो बनाई है उनकी, लेकिन मैं 10 बजे नहीं, मैं 3 बजे उठी थी, मैंने खाना शाना खाया था और बराए रास्त देखी है। डन डन, ये व्लॉग में लगेगी, शुरू में आप लोगों ने देखी भी होगी, ये मैंने शुरू में लगाई है।
नेल आर्ट तो काफी अच्छा किया है, मैं तो इसमें यही देख रही हूँ। आप लोगों को भी करवाना मरवाना हो तो मदिया से रजू बिल्कुल ना कीजिए। और अभी जी शाम का टाइम हो चुका है तो हम पी रहे हैं शाम की चाय, पी ली है एज यूजुअल, लाइट चली गई है और अब हम खा रहे हैं हमने स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज। होम अलोन जो वर्ड है ना, वैसी फीलिंग तो आ रही है, लेकिन उसमें जो लोग वो करते हैं ना, मजे कर रहे होते हैं, जो चाहिए होता है, जो बचपन में हमें भी चाहिए था, वो नहीं आ रही, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होम अलोन में। जल्दी दो यार, हमारे खाना भूख लग रही है, तुम्हें लग रही है? लग रही है मगर बहुत जल्दी नहीं आ गई है, अभी ऑर्डर लिया था, अभी आगे थोड़े घूमते फिरते, इतना भी इंसान को फरिश्ता नहीं होना चाहिए। और जो फरिश्ता होना होते तब नहीं होते, अभी अभी हम लोग ऑर्डर दिया था और अभी आ गए, बेचारे वेट कर रहे करें। वेटिंग कमिंग इनकमिंग आउटगोइंग का आ गई हमारी यारी। अब पैसे तो निकाल के रखो, जाओ मैं मूड बना रही हूँ। नहीं वो शारिक से देखे तुम मत जाओ। तो जी रात हो गई है, हमने जैसा आपने देखा तो हमने खाना मंगा लिया है, हमने मंगाया है पिज्जा और हमारे पैसे लेने अभी मैं जा रही हूँ शारिक से। शारिक पैसा क्या आ गया है? वो पैसा चाहिए, नीचे खड़ा है, खोलो अनलॉगिंग, गिव मी मनी हनी। आ जाओ नीचे। यार तुमने अभी इतनी जल्दी ऑर्डर भी दे दिया, अभी अभी तो मैं 3 कप चाय पीकर बैठी हूँ, एक बिरयानी चूसी है और चिप्स की प्लेट भी चूसी है, अभी इसने पिज्ज़ा मंगा लिया, हम लोग सोच रहे थे बहुत देर में आएगा लेकिन इतनी जल्दी आ गया, हमें वो भी खाना पड़ेगा। बताओ तुमने ऐसे क्यों किया, बताओ। इंसान जो होता है किसी हाल में कुछ नहीं होता, इंसान जो होता है ना शुक्रपने की हद हो गई, ना शुक्रपने की आला मिसाल हो गई। यार सच में होम अलोन में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, कुछ खाली खाली सा लग रहा है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है। अब पता है पिज्जा है किधर, आया तो था मुझे, अरे हाँ वैसे गया था, बुराइयां जो जितनी की हैं उसकी हमने, पता है किधर है, छुपा दिया मैंने, तुमने छुपा, अब कहां से ढूंढेंगे। अच्छा है पिज्जा कहाँ छुपा है? अब आप अपना दिमाग यूज करें और निकालें, दो ही जगह हो सकते हैं, थोड़ी फाइंडिंग पिज्जा मुझे लगा है इस कबर्ड में, या शायद ओवन में, ना ओवन में ही रख सकती हूँ ये, अच्छा यहाँ जो पाकर गई है पिज्जा, मैं ओवन में देख रही हूँ जिसमें पकता है, जिसमें बनता है पिज्जा वहाँ पर रखा होगा। चलो भाई आ जाओ पिज्जा पार्टी करें, आप छुपाया था हमने पिज्जा, मिल गया आपको शुक्र है, हर व्लॉग में होती है इनके अवार्ड लेते हुए पिज्जे। क्या I'm so damn hungry, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, अब चाय तू जा, छुरी लेकर आओ वहां। नहीं नहीं अब इतना भी नहीं हो रहा, एक तो यार वो ये वाला खा लो तुम जी, नहीं एक तो मैं कम भी खाने जा रही हूँ और मुझे जो है वो भी दे दी, सारी बड़ी
तुम बड़े वाले दो पीस ले गए हो, मदिया ने बताया। मैं सोच रहा हूँ रात में कुछ और भी खाऊंगा। पेट है या कौवा? मुझे लग रहा है कौवा है। इसने मेरा अलग कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी ये छोटा पिज्जा। मैं खा रही हूं। ये नहीं, तुम वो खाओगी। अगर मैं ये बोलूँ तो ये मेरी कोई भी बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने इस ब्लॉग में ही दिखा दिया कि मैंने कितना खाया, और ये कैचअप भी नहीं है इसमें जो मैं निकालने की कोशिश करी। यार अम्मी को तो कॉल करो, मतलब तुम अपने मोबाइल से कॉल करो, देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम काफ़ी मिस कर रहे हैं। मम्मी पिज्जा पार्टी हो रही है। आपको मजा आ रहा है होम अलोन में पिज्जा पार्टी करते हुए? जस्ट योर रेगुलर डे, जस्ट योर नॉर्मल डे। कितना खा रही है आखिर, कितना खा रही है? ये तो सारे इसने खत्म किए। पुराने जमाने की जो शादियों में नहीं होते थे मूवी कैमरे वाले, वीडियोग्राफर्स जो होते थे, वही बन गई हैं आप। खाएं आपकी प्लेट की, मैम वीडियो लेती हूं। ले ले खाली प्लेट, जो हाथ में है वो दिखाया हमें अपना असासा। खाएंगे नहीं तो क्या, भूखे मरेंगे। मम्मी देख रही हैं आप अपने बच्चों को कितना खा रहे हो। तुम्हें सब है, पता है ना, इसमें वो वाला लगा। अरे ये खोलते हुए भी तो होना चाहिए ना। अरे हर चीज, हर चीज, हर चीज, हर सेकंड, हर सेकंड। अरे सिप लेते हुए तो होना चाहिए। अभी हम लिक्योर पी रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम मम्मी को कॉल करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ है, और उन्हें बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। कौन है? मॉम। यहीं से निकल के चमाटना लगाते हो हमें। बहुत अच्छा, हम लोग वो मना रहे हैं, क्या नाम होता है उसका, होम अलोन डे। होमलेस से लग रहे हैं अभी। कॉल की थी हमने अम्मी को, लेकिन अम्मी जो है ज्यादा ही बिजी हैं। शादी में लगता है कि बिजी हैं अभी तो, क्या करना चाहिए। हमने पहला दिन तो बहुत मुश्किलों से होम अलोन में पार्टी करते करते मनाया है, गुजारा है, अपने ऊपर गुजारी है ये दिन। हमने हम पे आयद होती है ये जिम्मेदारी कि हम इस दिन को वो करें, और फिर कल उठेंगे, फिर कल आप सबको दिखाएंगे कि अम्मी पापा आ रहे नहीं आ रहे, और हमारा होम अलोन डे कैसा गुजारा है। ये तो कोई ADXM के जरा सी लग याद है आप लोगों को, और हम लोग कल दिखाएंगे आप लोगों की हम लोग क्या क्या खाएंगे, और अम्मी वगैरह कब आएंगे तो उनके लिए हमें पहले से खाना बनवा के रखना है। शाम में आएंगे, दोपहर में आएंगे, प्रोबेबली शाम में आएंगे, और सारी कुकिंग तो डॉली करने वाली है ना। जी करूंगी भी मैं और खाऊंगी भी मैं। अभी करने हैं हम रात का अख्तिताम। रात का अख्तिताम कैसे करें, अभी हम जा रहे हैं सोने, अभी बज गए हैं, वैसे सोएंगे तो हम अभी नहीं, लेकिन व्लॉग को एंड करना तो हमें ज़रूरी है, बाला भी तो चाहिए। यस तो जी अभी हम करते हैं, अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, और फिर हम आप लोग से सुबह मिलते हैं। बाय, हैव अ गुड नाइट। बाय। नाश्ता बना दो। अभी अभी सुबह होते ही एक बुरी खबर मिली है यार, क्या स्पीकर फोन हो, मुझे भी बात करनी है इनसे। यार सुबह हो चुकी है, जैसे आप लोगों ने देखा कि मदिया सुबह सुबह कॉल पे बात करी थी, और इन्हें एक बैड न्यूज मिल चुकी है। सोचा ना था, वो ऐसी बैड न्यूज है ना कि वो डिले भी नहीं हो रही है, हमने इतना कराने की कोशिश की। और यार आज का तो डे हमने इतना अच्छा बनाया था कि आज अम्मी वगैरह भी आने वाले हैं, तो वो क्या कहते हैं, हम लोग उठते और हमारी छुट्टी होती है, हमें बहुत मज़ा सा आता, और सोचा था कुछ टिकटॉक कुछ ब्लॉगिंग कर लेंगे, लेकिन आवाज़ ही बुरा हुआ है। पता नहीं क्या होगा अब तक, पता तो चलेगा नहीं आप लोगों के होने क्या वाला है हमारे साथ, हम पे क्या गुजरी है किसी को नहीं पता। इसको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज तो हमें टिकटॉक ही बनाना थी। पता भी आज क्या होने वाला है।
क्लोज क्लोज। चले जी अब हम लोग खाते हैं। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। क्या मतलब, क्या मतलब सिचुएशन है आज की सिचुएशन के उसके ऊपर गाना ही किया, तो लव्स भी साथ नहीं दे रहे, सवाल पे आ नहीं रहे, ऐसा सदमा हुआ है। तुम्हारा वो दिमाग ब्लॉक हो गया। यस माउफ हो गया। बिरयानी बन रही है, ये आप लोगों को लाइव दिखा रही है। तेह की बिरयानी, तेह वाली बिरयानी। अभी देखना है क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब कैरियर से होंगे और बहुत खुश होंगे। बताएंगे किसकी मैंने मुक्की है। तो जी हम लोग आ गए ट्रेनिंग बन के। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ट्रेनिंग बन के जा कहाँ रहे हैं। तो जी हमारे घर हमारी फूफू आ गई हैं, अभी हम उनसे मिलने जा रही हैं। और ये था जी हमारा होम अलोन, जिसके लिए काफ़ी उम्मीदें होती हैं लोगों को कि होम अलोन ऐसा होगा वैसा होगा। होम अलोन डे टू। यस आज डे टू है। तो जी अभी आ गई है हमारी फूफू, उन्हें हम लोग मिलने जा रहे हैं और यहाँ करते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। उम्मीद है आप लोग को हमारे होम अलोन बहुत मज़ा आया होगा, मामा को मिस कर करके। हमारी मामा आ चुकी हैं अभी। और इसी के साथ करते हैं अपना आज का व्लॉग खत्म। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारे कपड़े कैसे बन रहे हैं। शुक्र 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 मम्मी आ चुकी हैं और यहाँ हमारा होम अलोन डे। यार मैंने एक बात नोट की है, जब ज़्यादा तैयार होते हैं तो ज़्यादा भूख भी लगती है, ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो जब तैयार होते हैं ना, तैयारी समझ जाती है कि आपको शायद शादी में जाना है, शादी का खाना खाना है। या तो ज्यादा मेहनत कर लेता है इस वजह से शायद। और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? खत्म हो रहा सब कुछ आपने बोल दिया मेरे साथ। लगे कि हम कहीं